तेजस्वी ने मंच पर कह दी ऐसी बात कि लोग लगाने लगे ठाके, लालू के अंदाज में ले ली बीजेपी की चुटकी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कटिहार में लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी यादव अपने भाषण के वक्त लालू यादव के अंदाज में दिखे, उन्होंने मजाकिया लहजे में लोगों को हंसाया। इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ कह दिया कि लोग ठहाके लगाने लगे। चिलचिलाती धूप के बीच नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बरारी के जागेश्वर उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर को वोट देने की अपील की, लोगों को हंसाया। इस बीच तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ कह दिया कि लोग ठहाके लगाने लगे। चिलचिलाती धूप के बीच नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बरारी के जागेश्वर उच्च विद्यालय के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर को वोट देने की अपील की। तेज धूप के बीच अपने पिता लालू यादव के अंदाज में बीच बीच में मजाकिया लहजे में भी भाषण देकर उमस भरी गर्मी में सुनने आए लोगों को कुछ देर तक के लिए बांधे रखा। उन्होंने कलम व तलवार पर अपने संबोधन में कहा कि नौकरी मिलने से फट से शादी हो जाता है और फसाद करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ती है, साथ ही थाने व वकील को भी चढ़ावा देना पड़ता है जिससे कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी करना पसंद नहीं करती है। वहीं उनके चाचा नहीं पलटते तो 10 लाख और नौकरी देते, लालू नहीं डरे तो उसका बेटा क्या डरेगा। तेजस्वी यादव, भाजपा में शामिल होने पर भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन में धुल जाता है कहते ही लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। वहीं ईडी से लालू नहीं डरे तो उसका बेटा क्या डरेगा के भाषण के अंदाज पर लोग ठहाके लगाते दिखे। उमस भरी गर्मी के कारण सभास्थल पर भीड़ कम देखी गई। हेलीकॉप्टर के उतरते ही मैदान में लोगों की भीड़ जुटी। तपती धूप के कारण आधे से अधिक मैदान खाली था। लोग मंच के आगे बने टेंट व पेड़ की छांव के नीचे भाषण सुनते नजर आए। इसके साथ ही तेजस्वी ने मंच से फिर नौकरी की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। रक्षाबंधन पर बहनों को 1 लाख रुपए का गिफ्ट भी भेंट किया जाएगा। तेजस्वी ने मंच पर कह दी ऐसी बात कि लोग लगाने लगे ठहाके, लालू के अंदाज में ले ली बीजेपी की चुटकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर दिए गए बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। पटना में पत्रकारों के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे चाचा हैं, अभिभावक हैं, वे जो कुछ भी कह लें मेरे लिए आशीर्वाद ही है। यादव ने कहा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मुद्दे की बात उन्हें करनी चाहिए। बिहार से पलायन किस तरह से रुकेगा, युवाओं को रोजगार किस तरह से मिलेगा, इन सब बातों की चर्चा उन्हें करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।